नॉटिंगम में खेले जा रहे इंग्लैंड की पहली पारी को पांड्या ने तहस नहस कर दिया। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में पहली बार एक पारी में 5 विकेट हासिल भी किया उन्होंने। बता दें कि उन्होंने 6 ओवर में 28 रन देकर इंग्लैंड के 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। पांड्या की धारदार गेंदबाजी की वजह से ही इंग्लिश टीम पहली पारी में 161 रन पर ढेर हो गई। नॉटिंगम में भारतीय टीम के लिए 5 विकेट लेकर हार्दिक पांड्या ने जहीर खान और भुवनेश्वर कुमार की बराबरी कर ली। पांड्या से पहले दोनों तेज गेंदबाज ही भारत की ओर से इस मैदान पर 5 विकेट ले सके थे। तीसरे टेस्ट में पांड्या के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आप खुद ही देखिए कि फैंस उनके लिए कैसे कैसे पोस्ट कर रहे हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद हार्दिक पांड्या की काफ़ी आलोचना हो रही थी, यहाँ तक कि उन्हें भारतीय खिलाड़ियों ने ही कोसना शुरू कर दिया था। भारत के सबसे सफल ऑफ स्पिनर हरभजन ने हार्दिक को लताड़ लगाते हुए कहा था कि उनके नाम के आगे ऑलराउंडर लगाना बंद कर देना चाहिए, वह ऑलराउंडर का दर्जा पाने का हकदार नहीं रखते। भज्जी के बाद अब वेस्टइंडीज ने महान तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने भी कह दिया है कि पांड्या अभी टेस्ट मैचों के लिए तैयार नहीं है। होल्डिंग ने कहा कि हार्दिक ना तो बल्ले से प्रभावित कर पा रहे हैं और ना ही गेंदबाजी से। गेंदबाजी में उनके अंदर नियंत्रण और निरंतरता की कमी है, लेकिन पांड्या ने नॉटिंगम में 5 विकेट लेकर दिखा दिया कि इस खिलाड़ी में कुछ कर गुजरने की इच्छा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण चौबे की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।